नमस्कार, सुरेश स्वदेशी का सभी को और ज्ञानालय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड, और ये चैप्टर है क्लास 6 की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक है उसका है। चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यहाँ पर सीधा सा है, रूरल लाइवलीहुड्स का मतलब होता है कि रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ग्रामीण रूरल, और लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, आय का जो साधन है या इनकम का जो सोर्स होता है। उस इनकम के सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाली बात हो रही है। तो रूरल एरियाज में जो लाइवलीहुड की बात हम कर रहे हैं वो सारी चीज यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो गांव में किस तरीके से रोजगार के साधन है, किस तरीके से लोग अपनी आय कमाते हैं, उन्हीं सब बातों को यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले चैप्टर में जो है बहुत सारी जो डाइवर्सिटीज के बारे में आप इस बुक के स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हमारी लाइफ में होती है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग ऑक्यूपेशन जॉब्स करते हैं। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो अलग अलग एरिया के जो लोग हैं उनका काम भी अलग अलग प्रकार से होता है। अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स में ट्रीज फसलें क्रॉप्स हैं और चीजें वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये सब बातें जो है हम देख चुके हैं पहले। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरीके से लोग जो है डिफरेंट तरीकों से अपनी इनकम जो है गाँव में अर्न करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने को जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इक्वलिटी की बात हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि लोगों में इक्वलिटी होनी चाहिए, तो क्या वो भी यहाँ पर हो पा रही है, वो चीज भी हाईलाइट होगी। इसके अलावा हम जो है उनकी जो लाइफ सिचुएशन है उनमें सिमिलरिटीज क्या क्या आती है, उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उन सब बातों को भी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। चैप्टर में यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, इमेज में जो है स्टार्टिंग में वहां पर एक गांव का सीन दिया हुआ है और वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो चैप्टर में एक स्टोरी जो डील की गई है, जिस स्टोरी के माध्यम से आपको इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है, वो कल्पट्टू विलेज की है। कल्पट्टू एक गांव है और ये कल्पट्टू गांव जो है तमिलनाडु में है। कहां पर है, कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु के कोस्ट पर है। और यहाँ के लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। बाकी के जो गांव है वहां पर भी जो है नॉन फार्म वर्क, एक तो वो काम जो खेत के ऊपर किया जाता है वो फार्म वर्क कहलाता है, और जो काम खेत के अलावा होता है वो नॉन फार्म वर्क कहलाता है। तो वहां पर फार्म वर्क के अलावा अलग नॉन फार्म वर्क भी किए जाते हैं, जैसे कि बास्केट बनाने का काम, बर्तन यूटेंसिल्स बनाने का काम, पोर्ट्स यानी बर्तन, ब्रिक्स ईटे, बैलगाड़ियां, ऐसे बहुत सारे नॉन फार्म टाइप के जो फंक्शंस है टास्क है वर्क है वो भी किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ भी है। गांव के काम बातें कर रहे हैं, तो खेती का काम तो हो ही रहा है, उसके अलावा हमने देखा बास्केट मेकिंग का काम भी हो रहा है, उसके अलावा हमने जो वो और अलग जो काम देखे उसमें हमने ये भी देखा कि यूटेंसिल्स है, पोर्ट्स बनाने का, ब्रिक्स बनाने का, ब्लॉक कार्ट बनाने का, बहुत सारे काम है। उसके अलावा हम जो काम देख रहे हैं वहां पर उसमें बहुत सारे सर्विसेज भी हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ यानी लोहा, आयरन के जो बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाला व्यक्ति ब्लैक स्मिथ वो भी हैं, नर्सेज भी हैं जो लोगों की हेल्थ केयर करती हैं, टीचर्स भी वहां पर काम करते हैं, तो सारे ऑक्यूपेशंस वहां पर हैं। इसके अलावा वॉशरमैन है, धोबी जिसको हम कहते हैं कपड़े धोने वाले, वीवर जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं, बार्बर जो बाल काटने का हेयर कट का काम करते हैं, साइकिल रिपेयर के जो मैकेनिक्स हैं, और इसी तरीके से अन्य बहुत सारे काम करने वाले लोग भी गांव में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज है कल्पट्टू विलेज है, उस कल्पट्टू विलेज में कितने अलग अलग टाइप के काम करने वाले लोग हैं, और ये जो सब है उनकी लाइवलीहुड के साधन है। इसके अलावा भी हैं,
जो हमने बात की उसके अलावा शॉपकीपर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी जो चीजों का बाजार में लेन देन सेल और परचेज का काम करते हैं। मेन स्ट्रीट जो कलपट्टू की है जो कि एक बाजार की तरह दिखाई देती है, वहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्मॉल शॉप्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे कि चाय की शॉप है, ग्रोसरी शॉप्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, क्लोथ कपड़ा बेचने वाला शॉप है, टेलर है, टू फर्टिलाइजर्स की शॉप भी है, फर्टिलाइजर और सीड की शॉप्स भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय वहां दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आगे चैप्टर कहता है कि वहां चार चाय की दुकानें हैं, टी शॉप्स हैं, विच सेल टिफिन, जैसे कि वो टिफिन भी बेचते हैं जिसमें इडली, डोसा, उपमा जो है, मॉर्निंग स्नैक्स में जैसे वड़ई, बोंडा, मैसूर पाक इवनिंग में बेचते हैं। तो मॉर्निंग के नाश्ते का टिफिन अलग बनता है, इवनिंग के नाश्ते का टिफिन अलग बनता है, तो ये सर्व करने वाली शॉप्स भी वहां पर हैं। पास में टी शॉप्स के पास में एक कॉर्नर में ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है जो कि होम्स को सर्व करती है और उनके वर्कशॉप पे। उसके आगे की तरफ एक साइकिल हायर की दुकान है, एक साइकिल हायर है और रिपेयर है, मतलब आप साइकिल वहां से उधार भी ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, और रिपेयरिंग शॉप भी है। दो फैमिली जो है वॉशिंग क्लोथ कपड़े धोने करके अपनी अर्निंग जो है आजीविका अर्न करते हैं। इसके अलावा वहां पर जो कुछ लोग और भी हैं जो नियर बाई टाउन से जाते हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं लेबरर के रूप में, और कुछ लोग जो है लोरी ड्राइवर्स भी हैं जो लोरी चलाने का काम भी करते हैं। तो ये आपने देखा कि इतने अलग अलग प्रकार के जो काम है कलपट्टू गांव के लोग करते हैं। आगे चैप्टर में एक इमेज दी हुई है जिसमें बैक ब्रेकिंग वर्क, एक पैडी ट्रांसप्लांटेशन काम करते हुए, यानी चावल की जो खेती होती है तो चावल के पौधे की जो बुआई का काम होता है, ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, तो वो दिखाया गया है। और उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वो बिल्कुल झुककर करना पड़ता है, तो कमर तोड़ने वाला काम है, अर्थात बहुत हार्ड वर्क होता है। कलपट्टू विलेज के बारे में आगे बताया गया कि ये कम ऊंचाई की लो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, उनसे कवर्ड है चारों तरफ से, और पैडी यहाँ की मेन क्रॉप है, चावल की खेती यहाँ मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है, और ये इरिगेटेड लैंड्स पे जहाँ इरिगेशन सिंचाई की सुविधा है वहीं पे होती है। ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपनी इनकम अर्न करती हैं। आगे बात करते हैं तो चैप्टर हमें बताता है कि कुछ कोकोनट ग्रोव्स भी हैं, कोकोनट के पेड़ हैं वहां पर, बगीचे भी हैं, तो और इसके अलावा कॉटन का खेती भी होता है, शुगर केन का भी होता है, प्लांटेन केला जो है उनकी भी खेती की जाती है। इसके अलावा मैंगो ऑर्चर्ड्स भी हैं, आम के बाग भी हैं, बागवान ऑर्चर्ड्स में गार्डन्स हैं। तो ये सब मिलकर के जो लोग हैं वो इन फील्ड्स में काम करते हैं कलपट्टू के में, और वो किस तरीके से खेती करके कमाते हैं, इसका उन्होंने दो तीन कैरेक्टर्स के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो इन कैरेक्टर्स जो इस एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए हैं उनमें सबसे पहले तुलसी है, तुलसी का दिया हुआ है। तो तुलसी क्या करती है, तो तुलसी जो है रामालिंगम की जो लैंड है वो बताती है कि हम सब लोग जो है रामालिंगम की जो जमीन है उस पर काम करते हैं। उसके पास 20 एकर्स ऑफ जो है पैडी फील्ड्स हैं कलपट्टू में ही, और इवन बिफोर आई वाज मैरिड तुलसी बताती है कि मेरी शादी होने से पहले ही जो है मैं उसके खेतों पे काम करती थी, मेरे पेरेंटल हाउस में जो गांव था मेरे पिता के गांव में, और हम सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक 4:30 PM तक जो है काम करते हैं। करुथम्मा रामालिंगम्स वाइफ जो है वो हमारी निगरानी का काम करती है, मींस ये उनके वर्किंग आवर्स है कितने टाइम तक काम करती है, और जो करुतम्मा है जो रामालिंगम की वाइफ है वो उनपे उनको सुपरवाइज करती है, उनपे काम करवाती है, ध्यान रखती है। कुछ साल के कुछ ही समय होता है जब उनको रेगुलर वर्क मिलता है, ये हमें तुलसी बता रही है कि उनको पूरे साल काम नहीं मिलता। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, अब मेरे पास जो है काम नहीं है तो मैं अभी मेरे पास जो काम है वो है कि मैं पैडी को ट्रांसप्लांट करने का काम कर रही हूँ, और ये जब बड़े हो जाएंगे प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट रामालिंगम विल कॉल अस,
इसको ग्रो कर ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर काम नहीं होगा, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर रामालिंगम हमें वापस बुलाएगा और इसकी वीडिंग करने के, वीडिंग का मतलब इसमें जो जंगली घास को सूख जाती है उसको हटाने के लिए बुलाएगा, और आखिर में वो हमें इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम में जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी कटाई के लिए हमें बुलाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, वीडिंग के टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम, तो ये ही वो टाइम है जब उसको काम मिलता है, बाकी टाइम पे काम नहीं होता। तुमसे आगे कहते हैं कि जब मैं यंग थी, जवान थी, तो आई कुड डू दिस वर्क, तो मैं बहुत आराम से ये काम कर पाती थी, डिफिकल्टी नहीं होती थी, बट अब मेरी एज हो गई है, मैं ओल्डर हो गई हूँ, तो अब मुझे बहुत घंटों तक झुकने से जो है मुझे बड़ा दर्द होता है, कमर दुखती है, और जो पानी में पैर रहते हैं तो ये बहुत ही पेनफुल है, दर्द वाली स्थिति है। रामालिंगम जो है उनको 40 रुपए पर दिन के देता है, पर डे उनको 40 रुपीज ही पे करता है, और ये बहुत कम पैसा है। व्हाट लेबरर्स गेट इन माय होम विलेज, जो मेरे गांव में जो मिलता है पैसा उससे थोड़ा ही कम है, बट मैं यहाँ काम करने के लिए इसलिए आती हूँ क्योंकि कॉल मी वेयरएवर देयर इज वर्क, क्योंकि वो मुझे जब भी काम होता है तो वो मुझे बुला लेता है, तो इसीलिए मैं रामालिंगम के खेतों पे काम करने आती हूँ। उसके अलावा जो है बाकी के लोग, ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस, अनलाइक अदर, बाकी के लोग क्या करते हैं कि वो जो दूसरे करीब गाँव में खेत है या काम है वहां चले जाते हैं, लेकिन तुलसी ऐसा नहीं करती है। आगे तुलसी कुछ और अपनी कहानी बता रही है, आप ये कहानी सुनते जाइएगा, कहानी के माध्यम से ये पता चलेगा कि किस तरीके से गाँव में जो काम है, खेती का काम है, फार्मिंग है या नॉन फार्मिंग वर्क है, वो किस तरीके के हैं, वो किस तरीके से लो हार्ड वर्क होता है, किस तरीके का पेनफुल वर्क होता है, वो सबकी जानकारी आपको इनसे मिल पा रही है। तुलसी आगे बता रही है कि मेरे हस्बैंड जो है, तुलसी के हस्बैंड का नाम रमन है, वो भी लेबरर है, वो भी एक मजदूर है, हम दोनों जो है अपनी, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, और इस टाइम में जो है हम पेस्टिसाइड स्प्रे का काम भी करते हैं, यानी दवा छिड़कने का काम, और जब कोई काम नहीं होता खेत पे तो वो बाहर काम करने चला जाता है, लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, जो नदी में से सैंड को लोड करने का, भरने का काम हो, या स्टोन्स भरने का, जो नियर बाई जो क्वेरी है, खान है, वहां से पत्थर भरने का काम करने चला जाता है, और ये जो सामान है वो ये जो सैंड और बजरी और पत्थर भरने का काम है, ये घर बनाने में काम आता है, तो वो काम चला जाता है। इसके अलावा लैंड पे काम करने के अलावा मैं जो है घर पे भी कुछ काम करती हूँ, टास्क एट होम, आई कुक फूड फॉर माय फैमिली, मैं मेरे बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, परिवार के लिए, घर को साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, अदर विमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, बाकी महिलाओं के साथ जाकर के मैं जो है जंगल से लकड़ी बीनने का काम भी करती हूँ। 1 किलोमीटर दूर गाँव में जो एक बोरवेल है जहां से मैं जाकर के पानी लेकर आती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो मटेरियल सच एज ग्रोसरीज, घर के लिए ग्रोसरी, खाने पीने का सामान लाने में मेरी हेल्प करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं उनकी लाइफ कितने डिफिकल्ट है, उनको 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ रहा है, उनको कपड़े धोने पड़ रहे हैं, जंगल से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लानी पड़ती है, बहुत मुश्किलें हैं। हमारे जो आगे तुमसे कहते हैं कि उसकी जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, स्कूल एज की बच्चियां हैं, वो आर द जॉय ऑफ आर लाइफ, वो हमारे जीवन की खुशी है। पिछले साल जो है उनमें से एक बीमार हो गई थी और जिसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती कराना पड़ा टाउन में ले जा करके, और उसके लिए हमें हमारी गाय बेचनी पड़ी क्योंकि खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए जो हमने रामालिंगम से पैसा लिया था उसको रिपे करने के लिए, उसको चुकाने के लिए इनको गाय बेचनी पड़ी। आगे जो है अब देखिए, ये जो आपने तुलसी की कहानी सुनी उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देखिएगा। तुलसी जो काम करती है उसकी नेचर अब आपको समझ में हो गई, आ गया होगा कि वो कौन कौन से कैसे कैसे काम करती है अलग अलग टाइप के। उसका काम जो है रमन जो काम करता है उसके काम से किस तरीके से अलग है, उसके हस्बैंड रमन जो काम कर रहा है उससे किस तरीके से अलग है। तुलसी को जो पेमेंट मिलता है वो बहुत कम पेमेंट मिलता है जितना वो काम करती है उसके कंपेरेटिवली। क्या आप सोचते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर्स जैसे उसकी तरह जो होते हैं वो
क्यों लो वेजेस कम मजदूरी को एक्सेप्ट करते हैं, वो मना नहीं कर पाते, क्यों करना पड़ता है उनको कम पैसे में कम मजदूरी पे काम, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि किस तरीके से जो है उसकी अर्निंग जो है डिफरेंट है। तुलसी ऑन सम फार्मलैंड, व्हाट वुड हर वे ऑफ अर्निंग ए लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ तुलसी ऑन सम फार्मलैंड। अगर मान लीजिए तुलसी का खुद का खेत हुआ होता तो उसकी इनकम कैसी हुई होती, ये आप सोचिए। तो फर्क तो होता मजदूर के रूप में और खुद की जमीन होने के रूप में। इसके अलावा जो आपके एरिया में जो है, आपने अगर आपने अपने आसपास के रूरल एरिया में देखा होगा तो आपके यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती है, वहां आपने देखा कोकोनट ग्रोव्स हैं, मैंगोज हैं, बनाना की खेती होती है, इसके अलावा पैडी फार्म्स हैं। आपके ये तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, आपके एरिया में कौन सी खेती होती है वो आपको सोचना है। तुलसी की स्टोरी से जो हमको बात पता चली वो ये है कि जो रूरल एरिया में जो गरीब परिवार है, पुअर फैमिलीज हैं, वो अपना बहुत सारा टाइम जो है फायरवुड कलेक्ट करने में, जलाने के लिए लकड़ी कलेक्ट करना है, पानी लाने में, या अपने कैटल को ग्रेजिंग चराने में ही जो है उनका समय बीत जाता है। यहाँ तक कि उनको जो बहुत पैसा भी नहीं मिलता जो एक्टिविटीज वो करते हैं, और दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड, उनको अपना घर चलाने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। फैमिली का जो है बहुत सारा टाइम इस बात के लिए खर्च करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़े से पैसा अर्न करके जो है सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। नियरली लगभग लगभग हम बात करें तो 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिली, जितने गाँव जो गाँव के घर हैं परिवार हैं उनका 2/5 जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही होते हैं हमारे कंट्री में, यानी बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो खेतों पे काम करने वाले मजदूर हैं। और जो जिनके पास इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, जबकि बाकी जो तुलसी लायक लोग हैं जैसे तुलसी के जैसे, उनके पास तो जमीन भी नहीं है, वो लैंडलेस हैं, उनके पास कोई जमीन अपनी नहीं है। इसके अलावा ये लोग जो हैं ज्यादा पैसा कमाने के पूरे साल भर इनको चूंकि काम नहीं मिलता तो इनके पास ज्यादा अर्निंग भी नहीं हो पाती, तो ये जो है मैनी रूरल एरियाज में इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक काम की सर्च में भी जाना पड़ता है, दूर दराज तक इनको तलाश में जाना पड़ता है। ये जो जिनकी ट्रेवलिंग होती है, यात्रा करते हैं एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं, इनको जो है बहुत सारे पर्टिकुलर सीजन वाइज ये काम भी करने पड़ते हैं। तो ये तो थी तुलसी की कहानी। अब एक और कैरेक्टर इस चैप्टर में डील हुआ है, वो है शेखर। तो शेखर का क्या कहानी है वो हमें देखना चाहिए। शेखर अपनी बात बताता है, शेखर कहता है कि हम जो है पैडी हमारे घर पर लेकर आते हैं, मेरा परिवार जो है उसने अभी अभी जो है खेतों में से हार्वेस्टिंग का काम खत्म किया है, कटाई की है, हमें हमारे पास जो है बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, केवल 2 acres ऑफ लैंड है, हम जैसे तैसे करके हमारे खेत पे काम करते हैं, और कभी कभी जो है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट के टाइम पे जो है आई जो और छोटे किसान हैं उनकी भी मैं हेल्प ले लेता हूँ, एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। कई बार ऐसा होता है कि फसल का टाइम मौसम खराब हो रहा है और फसल पक गई है तैयार हो गई है तो कटाई के लिए आदमी चाहिए होता है, तो कई बार ये होता है कि मैं दूसरों के खेतों में काम कर जाता हूँ, वो मेरे खेत में एवज में काम करते थे, तो ये भी चलता है। ट्रेडर जो है वो मुझे सीड दे देता है, फर्टिलाइजर दे देता है लोन के रूप में, और उनको चुकाने के लिए जो है मुझे मेरी पैडी जो है उसे बेचनी पड़ती है एट सम व्हाट लोअर प्राइस। अब मजबूरी होती है कि उसे कम पैसे में देना पड़ता है क्योंकि उसने मुझे सीड और फर्टिलाइजर दिए हैं, और बाजार में तो रेट ज्यादा होती है लेकिन उसको कम रेट पे बेचना होता है। उसको जो है वो एजेंट पे जो अपना एजेंट भेज देता है मुझे रिमाइंड करवाने के लिए, मेरे जैसे फार्मर्स को रिमाइंड कराने के लिए जिन्होंने लोन लिया है कि वो पैडी उसी को बेचनी है। मैं जो है लगभग लगभग 60 बैग्स ऑफ पैडी मेरे खेतों से जो है प्रोड्यूस कर लेता हूँ, इसमें से कुछ जो है मैं अपने लोन चुकाने के लिए बेच देता हूँ और बाकी की जो है वो मेरे घर पे काम आ जाती है, बट वॉट एवर आई हैव वी लॉस्ट ओनली 8 months, लेकिन जितना मेरे पास बचता है वो केवल 8 महीने के लिए ही पर्याप्त होता है, यानी 8 महीने तक ही चल पाता है। फिर मुझे और पैसा कमाना पड़ता है, तो मैं रामालिंगम के जो खेत है
राइस मिल है, चावल का जो मिल है उस पर काम करता हूँ, और मैं यहाँ से जो है हेल्प उसकी हेल्प करता हूँ कि वो फार्मर से जो है नेबरिंग विलेजेस से जो पैडी कलेक्ट करके लाता है उसमें। इसके अलावा जो है मेरे पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिसका मिल्क मैं बाजार में लोकल मिल्क जो कॉपरेटिव है वहाँ पर बेचता हूँ, और इस तरीके से जो है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर लेता हूँ मेरी जरूरत की नीड्स से ज्यादा। तो ये शेखर की कहानी है जो कि तुलसी की कहानी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास खुद की 2 एकड़ लैंड है जिसपे खुद खेती करता है, गाय भी है जिसको सेल करता है, और फ्री टाइम में जो है रामालिंगम की राइस मिल पे काम करके थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा अर्न कर लेता है। ऑन बीइंग इन डेट, डेट का मतलब कर्जा, डेट मींस कर्जा, तो कर्जे में रहना क्या है। जैसा कि हमने सारी कहानी ये दोनों कहानियां पढ़ी उसमें हमने देखा कि फार्मर जो है शेखर जैसे उनको कुछ सामान जैसे कि सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये खरीदने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है, और जनरली वो लोन जो है वो मनी लेंडर्स जो गांव में जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे उधार देने का काम करते हैं उन्हीं से लेना होता है। और अगर सीड अच्छी क्वालिटी के नहीं है या जो पेस्ट दवाइयां हैं वो अगर कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं तो उनकी जो क्रॉप है जो उसका बड़ा हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। ये क्रॉप्स ऐसे भी यूज हो सकती है अगर मॉनसून जो है, जैसा कि भारत में कहते हैं कि अगर मॉनसून अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, और अगर मॉनसून खराब हो जाता है तो खेती भी खराब हो जाती है। तो ये जो फार्मिंग है इस पर भी डिपेंड करती है कि अगर मॉनसून अच्छा नहीं है, रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ है तो भी फसल बर्बाद हो सकती है, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो फार्मर जो उन्होंने लोन लिए हैं सीड्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए वो रिपे नहीं कर पाते, और उनकी जो फैमिलीज हैं उनको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आती है, और उनको सर्वाइवल के लिए फिर से लोन लेना पड़ता है, और ये लोन जब इतना बड़ा हो जाता है तो फाइनली वो जब रिपे नहीं कर पाते तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और ये कह सकते हैं कि वो कर्जे में फंस जाते हैं, जब वो ये लोन धीरे धीरे करके जब बड़ा हो जाता है तो वो कर्जे में फंस जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। और अभी अगर कुछ सालों में हमने देखा है तो एक मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स, किसानों में ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेस का कारण बन चुका है, और कुछ एरियाज में तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे किसान जो है फार्मर जो है वो इस कर्जे में फंसने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। चैप्टर में आगे एक इमेज दी हुई है जिसमें रामालिंगम की जो 20 एकड़ लैंड है उसके खेतों में जो पैडी है जिसको ट्रांसप्लांट किया गया था वो दिख रही है, और रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म बाय एग्रीकल्चरल वर्कर्स लाइक तुलसी, तुलसी जैसे जो हार्डवर्क करने वाले जो लेबरर्स हैं उनकी मेहनत से ही वो फसल लहरा रही है। तो इमेज वहां पर दी हुई है। आगे कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? शेखर का जो फैमिली है वो क्या किस प्रकार का काम करता है, वो हमने देखा कि वो शेखर अपने खेतों पे काम करता है और एक्स्ट्रा टाइम में दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। शेखर खुद जो है वो उसकी मिल पे जो राइस मिल है उस पर काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम। व्हाई डू थिंक शेखर डज नॉट यूजुअली एम्प्लॉय लेबरर्स फॉर डू फार्मिंग वर्क? आपने यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि शेखर जो है दूसरे जो फार्मिंग जो लेबरर्स हैं उनको क्यों हायर नहीं करता, क्योंकि उसके पास थोड़ी सी जमीन है तो खुद ही मिलकर के काम कर लेते हैं, अगर वो लेबर लगाएगा तो फिर उसके पास कुछ बच नहीं पाएगा। शेखर जो है टाउन मार्केट में अपने बेटर प्राइस के लिए अपनी पैडी को बेचने क्यों नहीं जाता है, वो उस जो मनी लेंडर को ही क्यों देता है? तो इसके पीछे कारण ये क्योंकि वो उसे सीड्स फर्टिलाइजर्स लोन के रूप में ले लेता है, तो कंडीशन यही होती है कि वो अपनी पैडी उसी को बेचेगा, और जब जब ये पहले से तय हो चुका है तो फिर वो नेचुरली जो पैसा उसको देता है उसी पे उसे बेचना पड़ता है। शेखर की सिस्टर मीना जो है वो लोन ले चुकी है व्यापारी से, और वो जो है अपनी पैडी जो है उसको बेचना नहीं चाहती, बट शी विल पे बैक हर लोन, लेकिन उसको उसका लोन चुका देगी। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन मीना एंड ट्रेडर्स एजेंट, तो एक बात है कि वो ऐसा क्यों, उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी वो आप सोच सकते हैं।
यहाँ पर एक और क्वेश्चन के रूप में आपसे कहा गया कि शेखर और तुलसी की जीवन में क्या अंतर है, वो अब आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं। एक लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस लेबरर है, और एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 acres ऑफ लैंड है, और दोनों की लाइफ स्टाइल कैसी है वो आपने इस चैप्टर में देखा। आपका आंसर जो है उसकी जमीन के ऊपर बेस्ड हो सकता है। अब चैप्टर में आगे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है रामालिंगम और करुथम्मा जो है उनके बारे में कुछ बात है, वो क्या है। लैंड के अलावा रामालिंगम की जो फैमिली है वो उनके पास एक राइस मिल भी है, चावल की मिल है, और एक शॉप है जहां से वो सीड्स पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा बेचते हैं। राइस मिल जो है दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी, उसके लिए उन्होंने कुछ तो अपना खुद का पैसा लगाया और कुछ जो उन्होंने गवर्नमेंट के बैंक से लोन ले लिया है, वो जो है विद इन द विलेज गांव में ही वो पैडी परचेज करते हैं, सराउंडिंग विलेजेस से कर लेते हैं, और जो उनके खुद के खेतों पे राइस प्रोड्यूस होता है वो भी होता है, और मिल से जो जो राइस प्रोड्यूस होता है, द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स नियर बाई टाउन। फिर वो जो वहाँ मिल से तैयार चावल को आसपास के जो ट्रेडर्स हैं टाउन्स में उनको सेल कर देता है, और उससे उसको एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। तो यहाँ पर रामालिंगम और करुथम्मा का फैमिली का भी डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से वो अलग अलग सोर्सेस से अपनी इनकम अर्न करते हैं। यहाँ चैप्टर के बीच में ही एक नागालैंड की जो है टेरेस फार्मिंग के बारे में दिया हुआ है कि नागालैंड में टेरेस फार्मिंग, टेरेस बना करके जो स्लॉपी एरियाज हैं, ढाल वाले जो लैंड एरियाज हैं, वहां पर कैसे खेती की जाती है। तो ये चिजामी एक विलेज है जो मिजोरम में है, फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड, सॉरी नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में चिजामी गाँव है। यहाँ के लोग जो है वो चकसंग कम्युनिटी के हैं और ये टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। चूंकि नागालैंड एरिया वो हिली रीजन है, पहाड़ी एरिया है, इसका मतलब ये है कि जो लैंड है वो हिल स्लॉप्स पे होती है, उसको फ्लो फ्लैट समतल जो प्लेट प्लॉट बना लिए जाते हैं, और फिर उनको जो है स्टेप सीढ़ियां जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया जाता है, जो उसके दोनों प्लॉट की साइज होती है उनको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया जाता है ताकि वाटर जो है फ्लो करके नीचे न जाए, वहां पर रुक पाए। इससे क्या होता है वाटर वहीं पे खेत में ही रह जाता है, और ये राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। चिजामी के जो लोग हैं वो उनके खुद के खेत हैं, इंडिविजुअल फील्ड्स हैं, बट फिर भी उनको जो है कलेक्टिवली वो मिलकर के ही दूसरों के खेतों पर भी काम करते हैं, और वो इसके लिए जो 6 और 8 लोगों का जो ग्रुप बना लेते हैं और एंटायर माउंटेन साइड को जो है उसके घास फूस काट करके खेती के लिए तैयार कर लेते हैं। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर, सारे के सारे लोग साथ खाते पीते हैं, वंस दे वर्क फॉर द डे, जो जब काम पूरा हो जाता है तो साथ ही खाते पीते हैं, और ये कई दिनों तक उनका ऐसा काम चलता रहता है जब तक कि उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम ये यहाँ पर इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को नागालैंड के लोग जो है वो टेरेस फार्मिंग करके इस तरीके से अपना सर्वाइवल करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया, भारत में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और फार्मर्स हैं उनकी स्थिति क्या है भारत में, वो भी यहां पर डिस्क्राइब हुआ है, क्या बातें की गई है देख लेते हैं। कल्पट्टू विलेज की जो बात करी वहां पर तुलसी के जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स शेखर जैसे हैं, और कुछ बड़े फार्मर्स हैं जैसे कि रामालिंगम। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। अगर हम भारत की बात करें तो 5 में से 2 परिवार जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही हैं। इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं अपने काम के लिए दूसरों पे खेतों को करने पे डिपेंड करते हैं, यानी उनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेतों पे ही काम कर पाते हैं, और इनमें से बहुत सारे लैंडलेस हैं और कुछ के पास जो है खुद के छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़े खेत नहीं है। अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें जैसे कि शेखर की, तो इनकी जो है इतनी सी जमीन है कि वो उनकी खुद की नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। इंडिया की बात करें तो 80% जो फार्मर्स हैं वो इस शेखर वाली कैटेगरी के ही हैं, ओनली 20% जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो रामालिंगम की तरह हैं जिनके पास बड़ी जमीनें हैं, बड़े खेत हैं, अदरवाइज 80% जो फार्मर्स हैं वो छोटे खेतों वाले ही हैं। ये जो बड़े फार्मर्स हैं वो अपने ज्यादातर लैंड जो गांव में वो ही कल्टीवेट करते हैं,
और इसका बहुत सारा प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। इनमें से जो बहुत सारे जो है उनके खुद के बिजनेसेस भी हैं, शॉप्स हैं, मनी लेंडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा रखती है उन्होंने, जैसा कि रामालिंगम के मामले में हमने देखा। तो ये जो सारे आंकड़े आपको बता रहे हैं कि किसानों के, वो ये कहते हैं कि जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति गरीब स्थिति है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आपको कुछ लगता हो, आपको सोचते हो कि इनकी किस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो अपने सुझाव सोचिएगा जरूर। आगे चैप्टर में जो बात हुई है वो बात यहां की जा रही है कि हमने कलपट्टू के फार्मिंग की सिचुएशन देखी, इसके अलावा जो बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में जो हैं अलग अलग कामों में लगे हुए, जैसे कि कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, पशुओं को पालने का काम करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस, दूध दही छाछ की के आइटम बनाते हैं, इसके अलावा फिशिंग का काम भी करते हैं, मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य भारत की, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट का जो सोर्स है, खेती और जंगल से बहुत सारे जो उत्पाद प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का काम लाइवलीहुड का एक मेजर सोर्स है। अब जैसे महुआ, महुआ एक पेड़ होता है, उससे रस निकलता है, तेंदू लीव्स, तेंदू की पत्ते, हनी, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये ट्रेडर्स को सेल किए जाते हैं और ये एक अच्छी खासी एडिशनल इनकम इन रूरल एरियाज के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से मिल्क बेचने का काम, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध बेचने का काम भी गांव में होता है और ये मिल्क जो है आसपास के जो डियर बाई टाउन्स होते हैं वहां पर सेल के लिए भेजा जाता है और ये भी गांव में के फैमिलीज के लिए एक इनकम का अच्छा सोर्स है। अगर कोस्टल एरियाज की हम बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि फिशिंग, मछली पकड़ने का काम भी बड़े अच्छे से चलता है और वो भी उनकी एक इनकम का सोर्स है। तो यहाँ जो है इसके अलावा फिशिंग फैमिलीज के अरुणा और परिवेलन के बारे में यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो हम पढ़ेंगे भी, जो कि पुद्दुपेट गांव में रहते हैं, जो कि कलपट्टू गांव के पास का ही गांव है। यहाँ पर एक फिशर वुमेन का इमेज दिया हुआ है जो लोकल मार्केट में मछली बेचने का काम कर रहे हैं। अब अरुणा और परिवेलन की कहानी यहाँ पर है जो कि फिशिंग का काम करते हैं। कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है एक और गांव है जिसका नाम है पुद्दुपेट। यहाँ के लोग जो हैं वो फिशिंग के द्वारा अपनी इनकम या लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इनके घर जो हैं बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ही हैं और जो है कैटामारंस एंड नेट्स लाइंग अराउंड, इनके चारों तरफ जो है कतार से रोज में है नावे और नेट पड़े रहते हैं। इसके अलावा 7 बजे जो सुबह जल्दी ये लोग जो है अपने बीच की एक्टिविटी पे पहुंच जाते हैं, बीच यानी समुद्र तट। ये वो टाइम होता है जब कैटामारंस रिटर्न विद देयर कैच एंड विमेन गेदर टू बाय एंड सेल फिश। तो ये वो समय होता है जब जो कैटामारंस होते हैं वो वापस लोड करके आते हैं और जो मछली पकड़ के जो भी समुद्र से लेकर आते हैं और महिलाएं जो है उनको खरीदती हैं और बेचने का काम करती हैं। अरुणा कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है परिवेलन, मेरे भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ यानी देवर या जेठ जो भी हैं, रिटर्न लेट टुडे, वो आज लेट आए हैं। आई वॉज वेरी वेरी, मैं बड़ी चिंतित हो गई वो, क्योंकि वो सभी समुद्र में साथ ही जाते हैं इन आर कैटामारन जो हमारी नाव होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो आज एक तूफान में फंस गए थे, स्टॉर्म में फंस गए। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, मैंने कुछ फिश साइड में रखी हुई थी अपने फैमिली के लिए, आई विल ऑक्शन द रेस्ट, बाकी को मैं बेच दूंगी। यानी जो ये पकड़ के लाए हैं उसमें से कुछ वो अपनी फैमिली के लिए रख लेती हैं और बाकी को मार्केट में बेचने का काम है। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन, जो फिश बेचने से जो पैसा आएगा वो चार पार्ट कर लिए जाएंगे, उसके चार शेयर, वन ईच फॉर ईच पर्सन, वो सब एक एक के लिए अलग हो गया, यानी परिवेलन, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, इन सब के लिए हो गया और एक इसका खुद का हिस्सा। वो वेंट फिशिंग, जो सब फिशिंग के लिए गए, और फोर्थ जो है वो जो इक्विपमेंट है उसके लिए, तो ये चार पार्ट हो जाएंगे। सिंस वी ऑन द कैटामैरन, हमारी खुद की वो कैटामैरन है, इंजन है और नेट्स हैं, तो जो फोर्थ शेयर है वो हमें मिलेगा। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, हमने एक बैंक से लोन ले रखा है और एक इंजन खरीद लिया है, परचेज कर लिया है।
विच इज फिक्स्ड ऑन टू द कैटामरन, जो कि कैटामरन पे लगा दिया गया है, और अब वो जो है समुद्र में बहुत दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो उनको और पतवार फेंक के जाना चला के जाना पड़ता था, लेकिन अब इंजन से वो काफी अंदर तक जा सकते हैं और अच्छी मछलियां पकड़कर ला सकते हैं। तो ये जो कहानी है अरुणा बता रही है। महिलाएं जो है वो फिश को परचेज करती हैं और उनको बास्केट्स में लेकर आती हैं और आसपास के गांवों में सेल करती हैं। कुछ और लोग भी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि शॉप्स जो टाउन्स में शॉप चलाते हैं वो लोग भी इनको परचेज करते हैं। मैं अपनी ऑक्शन जो है दोपहर तक खरीद खत्म कर लूंगी, यानी दोपहर तक मैं अपनी सारी फिश सेल कर दूंगी। इवनिंग में जो है मेरे हस्बैंड और जो रिलेटिव्स हैं वो अनटैंगल एंड रिपेयर आर नेट्स, वो क्या करेंगे वो जो रिपेयर नेट्स हैं जाल है उसको रिपेयर करेंगे, और फिर अगले दिन सुबह जो है 2 बजे रात को उठ करके वो जल्दी ही समुद्र में चले जाते हैं। हर साल जो है एटलीस्ट अबाउट 4 मंथ ड्यूरिंग द मॉनसून दे कैन नॉट गो टू द सी। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है कि हर साल ऐसा एक मॉनसून का टाइम बारिश के दिनों में 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि ये फिश ब्रीडिंग का टाइम होता है। इन मंथ्स में उनके सर्वाइवल की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको व्यापारी या ट्रेडर से पैसा उधार लेना पड़ता है। इसी कारण से लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेडर, और वही मजबूरी कि बाद में इनको उसी ट्रेडर को वो सारा प्रोड्यूस सेल करना पड़ता है और उसकी ऑक्शन नहीं कर पाते। जो लीन मंथ्स होते हैं, लीन मंथ्स जिनमें काम नहीं किया जा सकता, जो ब्रीडिंग वाला टाइम है उस समय पर बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है। और लास्ट ईयर तो जो है इन्होंने जो है सुनामी आ गया था, सुनामी जो समुद्र में अर्थक्वेक, ओशियंस में अर्थक्वेक आता है उसकी तरफ से जो हाई वेव जुड़ती है उसे सुनामी कहा जाता है। तो ये अरुणा बता रही है कि लास्ट ईयर सुनामी की वजह से तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि पीपल जो रूरल एरियाज में है वो अपने अलग अलग तरीके से इनकम अर्न करते हैं, कुछ फार्म्स पे काम करते हैं और कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज से, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। फार्म पे काम करने में जो है कौन कौन से काम शामिल होते हैं, तो वो जमीन को जोतना, तैयार करना, बीज उगाना, जो वीडिंग चारा काटना, जो खरपतवार है उसको हटाना, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स फसल काटना, ये सारे के सारे काम फार्म एक्टिविटीज में आते हैं। जो है ये क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हम हमेशा नेचर पर डिपेंड करते हैं। लाइफ इवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स, क्योंकि इनकी सर्टेन सीजन्स के अकॉर्डिंग चलता है। लोग जो हैं शॉविंग हार्वेस्टिंग उन्हीं सभी कामों में अपने लगे रहते हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है बाकी काम के लिए। इसके अलावा रूरल जो लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो अलग अलग रीजन्स में कंट्री में जो है अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनमें देख सकते हैं कि उनमें कुछ समानताएं होती हैं और उनकी जो समस्याएं हैं वो लगभग लगभग एक जैसी ही दिखाई देती हैं। शेखर और अरुणा की फैमिली जो है उनको क्यों पैसा उधार लेना पड़ता है, वो फिशिंग कर रहे हैं, वो अपना खेत पे जो पैडी ग्रो कर रहा है, लेकिन उनकी समस्या सेम ही है, क्योंकि उनको ट्रेडर से लोन लेना पड़ता है, फिर उसी ट्रेडर को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। आपको ये सिमिलरिटी यहाँ दिख रही है। सुनामी के बारे में मैंने बताया, सुनामी जो है वो समुद्र में आने वाला भूकंप और ऊंची लहरों का उठना है, जो कि फिशरमैन के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आगे यहाँ पर चैप्टर में जो बात की गई है वो बात यह है कि किस तरीके से लोग जो हैं अपनी लैंड पे सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए डिपेंड रहते हैं और किस प्रकार से खेती करते हैं, कितनी मुश्किलों से, वो हमने देखा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो लेबरर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो खेती लेबरर्स की हेल्प से कर पाते हैं। ज़्यादातर जो किसान हैं वो अपने रिक्वायरमेंट का ही ग्रो कर पाते हैं और कुछ जो है मार्केट में सेल करने के लिए भी ग्रो करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ट्रेडर्स को ही सेल करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले पैसा उधार लिया हुआ रहता है। और अपने सर्वाइवल के लिए जो बहुत सारे फैमिलीज हैं वो जो है मनी उधार लेती हैं अपने काम के एवज में, और जब काम नहीं अवेलेबल होता तो भी उनको पैसा उधार लेके ही जीवन यापन करना पड़ता है। कुछ फैमिली ऐसी भी होती है रूरल एरियाज में, जो कि लार्ज एरियाज पे उनको काम मिलता है, फार्मलैंड्स होते हैं, उनके बिजनेसेस भी होते हैं और अदर एक्टिविटीज भी चलती हैं, वो रिच पीपल होते हैं। इस तरीके से ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज हैं भारत में बात करें, क्राफ्ट पर्सन्स हैं गाँव में, जिनको
पर्याप्त मात्रा में पूरे साल भर काम नहीं मिल पाता है। तो मेजर बात यह है कि 20% लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में जिनके पास संसाधन उपलब्ध है, अदरवाइज तो उनके सर्वाइवल की ही समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 रूरल लाइवलीहुड्स की, हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।